हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एमवे के परसोना सोप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका कुछ लुक ऐसा है। यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। यू लव टू बी पैम्पर एंड योर स्किन डजंट डिजर्व एनी लेस। डिस्कवर ब्यूटीफुली नरिश स्किन एवरी डे विद द न्यू परसोना सोप विच इज इंडेड विद द गुडनेस ऑफ स्वीट आलमंड ऑयल, ग्लिसरीन एंड वाइटामिन ई। हम इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सोप का टीएफएम दे रखा है 76%। टीएफएम मींस होता है टोटल फैटी मैटर। किसी सोप का टीएफएम जितना ज्यादा होगा वह सोप उतना ज्यादा अच्छा होगा। और बात करें इसके अगर एमआरपी की, तो इसका जो एमआरपी है 166 रुपीज है। और इसमें इसकी 3 क्वांटिटी है, जिसकी एक क्वांटिटी में 75 ग्राम है। लेकिन आप अगर ये एमवे की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो ये सोप आपको 154 रुपीज में मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें यूज किया गया है स्वीट आलमंड ऑयल। ये ऑयल क्या करता है, हमारी स्किन को ना रिच मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। ग्लिसरीन क्या करता है, हमारे मॉइस्चर को ना लॉक करता है। और इसमें विटामिन ई है, जो एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये क्या करता है, अगर हमारी स्किन पे कोई भी फ्री रेडिकल डैमेज हो, सपोज यूवी रेज, डस्ट, पॉल्यूशन, किसी भी तरीके का डैमेज जो कि हमारी स्किन में होने वाला होता है, तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। और बात करें इसके और फीचर्स की, तो ना इसमें ना पैराबीन फ्री है और सल्फेट फ्री है। मीन्स पैराबीन ना एक तरीके का केमिकल होता है जो कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है कि ना वो प्रोडक्ट बहुत लंबे टाइम तक चल सके, सपोज उसमें फंगस ना लगे, तो पैराबीन का यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगती है। अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है, डैमेज है, ब्रोकन है, तो कुछ एलर्जी वगैरह हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। सेकेंड है सल्फेट फ्री। सल्फेट फ्री क्या होता है, सल्फेट ना एक तरीके का केमिकल होता है जो कि ना इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ना लेयर क्रिएट करता है, फोम क्रिएट करता है। तो इससे होता क्या है कि ना बहुत ज्यादा यूज करने से ये हमारी स्किन का ना ऑयल ना बहुत ज्यादा रिमूव कर लेता है। मीन्स हमारी स्किन का ना ऑयल लेवल बिगाड़ देता है और ये उसको मेंटेन नहीं करता है। सेकेंड कि मतलब हमारी स्किन के जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स होते हैं ये उसे भी रिमूव कर देता है। फिर इसको यूज करने से होता है रेडनेस, हमारी स्किन हो जाती है ड्राई, होती है इची हो जाती है। तो इस सोप में पैराबीन का यूज नहीं किया गया, ना ही सल्फेट का यूज किया गया। इस सोप को हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन स्किन हो। और अगर किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि इचिंग हो रही है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, सपोज जैसे दांत वगैरह, तो आप इस सोप को यूज कर सकते हैं। इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस सोप को मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि सोप कैसे है। इसमें ना टोटल 3 है, ये 2 और 3। और इसमें ना इसका जो लेबल भी किया हुआ, परसोना लिखा हुआ है। ये सोप बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इसको आप 1 मंथ 1 पर्सन इजिली यूज कर सकता है। और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं किया गया है। और प्लीज इस सोप को एमवे की वेबसाइट से ही परचेज करें। थैंक यू। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।